और नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सरांज। और आज सुबह की स्टार्टिंग हुई है मेरी इसके साथ डस्टिंग करना। और बाहर का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, अंधेरा सा हो रहा। अंदर चलते हैं उजाले में। ये दिवाली आ गई। ओह, गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग पापा। आज सब लोग सफाई अभियान में लग गए हैं। ये हमारे पीनू भ्राता, ये अच्छा बच्चा है। और हम आपको दिखाते हैं अपनी माता। मॉम, मॉम भाई, आज पता है, आज एक खास दिन है। आज इस बसंती की धन्नो आ जाएगी, आई मीन स्कूटी आ जाएगी। सफाई करो। कर रहा हूँ सफाई, जंगले पहुँचने पड़ेंगे। मैं जा रहा हूँ उधर दूध और पनीर लेने के लिए। और भाई साहब, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लग रहा है बारिश हुई है कल रात में। और अभी सुबह भी थोड़ी बहुत हुई, अभी नहीं हो रही बिल्कुल भी बारिश। चलो तो चलते हैं और देखो भाई साहब मौसम कैसा हो रहा है, अंधेरे ऐसा। चलो मैं आपसे मिलता हूँ आने के बाद। और नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है सबका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सरांज। और आज सुबह की स्टार्टिंग हुई है मेरी इसके साथ डस्टिंग करना। और बाहर का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, अंधेरा सा हो रहा। अंदर चलते हैं उजाले में। ये दिवाली आ गई। ओह, गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग पापा। आज सब लोग सफाई अभियान में लग गए हैं। ये हमारे पीनू भ्राता, ये अच्छा बच्चा है। और हम आपको दिखाते हैं अपनी माता। मॉम, मॉम भाई, आज पता है, आज एक खास दिन है। आज इस बसंती की धन्नो आ जाएगी, आई मीन स्कूटी आ जाएगी। सफाई करो। कर रहा हूँ सफाई, जंगले पहुँचने पड़ेंगे। तो भैया खाना वाना सब हो गया, खाना बहुत बढ़िया था। और मैं अब आ गया कंबल में। और आज खेल लिया हूँ बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, नींद भी बहुत जा रही है। तो चलो अब बारी इस व्लॉग को एंड करने की। व्लॉग को सुना था, व्लॉग को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो ठीक है, आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल। तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिले कल सुबह नए तड़कते बढ़ते व्लॉग के साथ। तुम्हारा सही है भाई साहब। क्या? पहले खूब पचा के आओ, डाइटिंग करके आओ, खूब खेल के आओ। उसके बाद मस्त मस्त खूब पेट भर के मज़ेदार खाओ। जैसे कि ये चाप खाओ, ये रोटी खाओ, ये प्याज खाओ, ये चटनी खाओ। ए, क्यों भाई? भाई अगर हम खाते हैं तो हम पचाते भी हैं। स्कूटी ले आना मम्मी जी। पापा गए स्कूटी लेने। मम्मा पापा स्कूटी लेने गए। अच्छा सर जी, राम राम। सर जी गुस्से में लग रहे हैं मुझे, गुस्से में है। ओ तो बस फिर घर आ गया हूँ और टोपा पहन के गया था, इसलिए बच गया। आज मैंने मम्मी की बात मान ली कि टोपा पहन जा। वैसे भी मान लेता हूँ, लेकिन अब खेलने आता हूँ मैं तब नहीं पहनता टोपा, क्योंकि फिर क्या होता है ना, एकदम सर में गर्मी सी लगने लग जाती है, फिर उतारो फिर ठंड। भाई इसे देख के गुस्सा सा आता है, लेकिन मन भी नहीं करता था उठाने का आज तो। लेकिन ठंड है थोड़ी सी, तो प्लीज़ भाई, ठंड बहुत चल रही है आजकल, फैशन में चल रही है, तो आप लोग पूरे कपड़े पहन कर आ करो। मैं तो हर समय ये जैकेट डाल के ही रहता हूँ। प्लीज़ टोपा भी लगाया करो, यानी कि मेरे को देख के टोपा नहीं लगाया, टोपा भी लगाना चाहिए। मम्मी मैं आपसे एक बात कहना भूल गया कल। क्या? कल मैं जब बैडमिंटन खेल रहा था ना, तो मेरी एक ट्यूशन फ्रेंड का फोन आया। उसका 27 को बर्थडे है, तो हमारे ट्यूशन बैच को मतलब पार्टी दे रही है, तो उसने बुलाया है। तो मैंने उससे कहा कि मैं मम्मी से पूछ के बता दूंगा, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? देखो पहली बात तो ये है, हाँ, तुम पढ़ लो। हाँ। अगर पढ़ोगे उस दिन पूरी अपनी 2-3 घंटे की पढ़ाई अगर कर लोगे। हाँ। तो हम सोचेंगे। और सबसे बड़ी सोचेंगे का मतलब ना ही है, मैं जानता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ। पापा से पूछ लो। और अगर पापा ने कहा मम्मी से पूछो तो?
तो मैं बताएंगे नहीं नहीं तो अभी बता दो, फिर पापा बाद में गए अपनी माँ से पूछो तुम जाके, भाई तुम्हारी माँ ही देखती है ये सब। नहीं मैं यही कहूंगी, तुम अगर पढ़ोगे तो उस दिन घंटे हाँ, तो मैं भेज दूंगी। भेज दोगी ना? 3 घंटे ईमानदारी से पढ़ना। हाँ, हाँ, बस मतलब चलेगा। लिखवा लिखवा के देखती थी ना वैसे सब लिखवा के देखूंगी। आप बहुत बोल रहे हैं सर। मैंने आपके लिए एक मैं गिफ्ट लाया, जल्दी आओ। वो हमारा जो हमने एक सर्वाइवल सीरीज शुरू करी थी ना, उसमें मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया और डायमंड भी बहुत सारे खोजे हैं। अब यार ये बार बार फोन बंद हो रहा है। अरे देखो आप, नेदर पोर्टल के बगल में मेरे पास क्या है और उसके आगे क्या है, देखो। रिवीन है क्या? नहीं रिवीन। अरे यार क्या बोल भाई साहब, अब कर लेते ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में अजवाइन नमक के पराठे और मक्खन, ये भी वही खा रहा है। अब मैं वो खा रहा हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं ऐसे ही बाहर चला गया था मौसम देखने, तो भाई मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और बेटा बताओ पुलाव कैसा बना है? किसने बनाया? आज मैंने पुलाव बनाया है। इसी तरफ है। किसने बनाया? तू तो ट्यूशन में था। तो मैं ट्यूशन में। खाना वाना सब बना लिया मैंने, अब खाऊंगा मैं भी थोड़ी देर बाद। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। चलो आई मिलते हैं सबसे शाम को। आज पता नहीं बैडमिंटन खेलेंगे कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आज रनिंग ही करेंगे हम लोग। बैडमिंटन तो खेलने चले क्योंकि हवा बहुत चल रही है। चलो तो मिलते हैं सबसे थोड़ी देर में। स्कूटी भी ठीक होकर आ गई भाई साहब, अंदर से वो पेमेंट ले आऊँगा उसकी, तो पापा ने मुझे दी थी पैसे। चलो पेमेंट भी दें यार, बस सीट कवर रह गया। सीट कवर तो मैं बाद में भी करा लूँगा कहीं से। भैया आखिरकार सही होके आ गई, बस इसमें सीट कवर का वो हो गया, वो तो बाद में भी ठीक हो जाएगा। अब देखो ये चाबी घुमाई, अब ऐसे भी स्टार्ट हो रही है। अब इसमें वो नहीं करना पड़ा कि नहीं मारना। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, सही हो गई। इसका सही होना ज़रूरी भी था। मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आया, सही होने के बाद बहुत मक्खन चल रही है स्कूटी, मक्खन। तो बेटा सोफे बढ़िया, ये कुशन बढ़िया है। मम्मी आपकी स्कूटी ठीक हो गई? मैं तो राउंड मार गया हूँ। नहीं कौन है तू? हाँ अब तो यही बोलोगी, कौन है तू? और जब खराब रही तो वापस। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई साहब गर्गवार, तो जिससे कल क्वेश्चन वेश्चन लाते, क्योंकि उन्हें कुछ हम एक्स्ट्रा सामान लेते तो वापस करना है। चलो करके आते हैं भाई साहब। जमा रह गए, ठीक है। आप यहाँ सामान वापस करने आई थी कि लेने आई थी? और अरे तो अब ऐसा तो होता ही है, एक लेने आओ एक छोड़ के जाओ। है भैया सच में ऐसा होता है? हाँ सब करते हैं भाई। चलो भाई, भैया बहुत अच्छे हैं, भैया के पास आओ, कांटेक्ट करो और अच्छा अच्छा सामान लेके जाओ। हाँ। अपने घर को सजाओ। भैया एड्रेस बता दो शॉप का। घर हैंडलूम वैशाली सेक्टर 2B45 नियर मदर डेयरी। बस आ जाना सब लोग। क्यों मम्मी? मम्मी भी आ जाएंगी सबसे पहले। मम्मी अब आप कोई कवर ट्राई मत करो, यही सबसे बेस्ट है। अभी एक ब्राउन कर लिया, मैरून कर लिया, मैं तो सबसे बेस्ट यही है। ये देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है। नहीं कमेंट में ना सब बताएंगे, तो ये बिच गया, एक और चाहती हूं। ये दूसरा, अब देखो ये कमेंट में बता ना कि कौन सा, ये वाला ज्यादा अच्छा है या फिर वो ग्रे वाला, या फिर वो ग्रे वाला। मेरे को सबसे बढ़िया यही लग रहा है। भैया खुशबू सी आ रही है बहुत, गुड़ तिल के लड्डू। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मन कर रहा था, ट्राई कर रही हूँ ये। क्या बात, अभी ठंडा हो गया तो ये बंद नहीं रहे। क्या कर रही थी बाहर? पालक बीना है, अब धनिया बीना है, फिर से मेरे काम शुरू हो गए। आज वैसे हमने खाने में क्या खाया मम्मी? पुलाव। हम सबको बताओ मैंने पुलाव कितना अच्छा बनाया था। आप भी ट्राई कीजिएगा इसके हाथ का पुलाव, रापचिक मजा आ जाएगा एकदम। दोबारा डिमांड आइए। आज बस थोड़ा सा वो थोड़े से। ए भाई सारांश, पुलाव मत बनाना, जो चाहे बना लेना। अरे वो थोड़ा सा आज बस मसाले कम और थोड़ा सा नमक कम रह गया, वो तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी बनाएंगे तो आप तो होंगी ना बताने के लिए। आज तो मैंने वैसे भी आपको सरप्राइज दिया था, पहले से थोड़ी पता था कि आपको मैं बना रहा हूँ कुछ।
चल ठीक है, अच्छा चलो मैं ठीक है। यार क्या मेरा कमरा फैला पड़ा है यार, इसमें आज ज्यादा तो आपके कपड़े हैं, आपका सामान है। वो देखो स्वेटर मास्क किसका, और ये सोफे के कवर किसके हैं। वो देखो प्रेस के कपड़े, उसमें मेरा एक भी कपड़ा ना होगा प्रेस के। देखो पापा की शर्ट है, पीनू का टोपा है, ये जो आप थैला लाई थी दुकान का वो है। अरे सब लगा। अच्छा उंगली कैसे है आपकी? अरे उंगली अभी भाई। मम्मी 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 इधर आओ इधर आओ, तो जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ जल्दी। मैं ही कह रहा ये दोनों तो सो गए, कॉफी बनाए बताओ। चलो आखिरकार कॉफी बनाई ली मैंने, मैंने अपने लिए, पीनों के लिए, मम्मी के लिए, तीनों के लिए बना ली कॉफी, और कॉफी बहुत बढ़िया बनी। पीनू भी कह रहा मैं तो खैर बनाता ही चीजें बढ़िया हूँ, बेको भी अच्छा बना लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलो भाई कॉफी खत्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पीनू फिर क्या डिसाइड किया, क्या मतलब फ्रेंच में बोला है संस्कृत बोला है? और मैं आपको बता दूं डिस्कशन क्यों हो रहा है ये। पीनू जब 6th क्लास में जाएगा तो जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पे ऑप्शन होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में कि फ्रेंच या संस्कृत। पीनू कह रहा है फ्रेंच की, मम्मी कह रही है संस्कृत की। अब फ्रेंच लेगा तो फ्रेंच मैंने भी पढ़ी हुई है 3 साल, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा दूंगा। तो मैं तो कह रहा भाई संस्कृत लाएंगे, संस्कृत भाई। फ्रेंड 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 बच्चे का ऑप्शन है भाई, बच्चे को जो पढ़ना है वही तो पढ़ेगा। रहने दो मम्मी, तुमने ऐसे संस्कृत दिला दी, पूरा दिन 3 इडियट्स देखेगा, फिर एक एक डायलॉग है वो याद करेगा। उत्तमम दद्दात पादम मध्यम पादम तुच्छुक तुच्छुक थुरथुरी नहीं थुरथुरी घनिष्ठम पादम सुरसुरी प्राण खटकम, ऐसे फिर ये फिर तुम्हें पूरे दिन यही सुनाएगा। वाह तेरी संस्कृत तो वाह वाह वाह, अब वो यही पढ़ेगा इसका मतलब वाह। अच्छा, अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस नादान नहीं नादान तो नहीं इस बच्चे को फ्रेंच लेनी चाहिए कि संस्कृत लेनी चाहिए। गाइस गाइस भाई सपोर्ट करना मुझे। अगर ये फ्रेंच लेगा तो आगे चल के अगर किस्मत से ये फ्रांस गया पढ़ने के लिए तो नेक्स्ट फ्रेंच उपयोग में आएगी, वहां जाके तो ये बोलेगा नहीं संस्कृत, वहां जाके तो संस्कृत झाड़ेगा नहीं कि छोड़ो मेरे को भी नहीं आती संस्कृत, सच बोलूं तो बिल्कुल संस्कृत का मुझे सब ही नहीं आता। तो ये कॉफी अभी सब हो गई, अब डिस्कशन पे पीनू फ्रेंच पे ही अड़ा हुआ है। लेकिन मम्मी आपसे फ्रेंच ले मैंने फोटो सेंड कर दी, मैंने फोटो सेंड कर दी पापा के साइन के साथ, अब कुछ हो नहीं। मम्मी देखो देखो मेरी बात सुनो, अब इसने चलो संस्कृत ले ली, अब संस्कृत इसने 3 साल पढ़ी तो फिर आगे जाके संस्कृत का क्या क्या यूज है, आप मुझे बता दो। पहले भैया को तो संस्कृत भाई हमारी पंडित के पास एप्पल आईफोन है, अब तो क्या समझ वो सुबह पंडित जी आए थे उनका एप्पल आईफोन 6 था, तूने देखा था? अच्छा छोटा सा इतना सा होता आईफोन 6 लेकिन एप्पल तो था। अच्छा 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 मम्मी बताओ कॉफी कैसी थी? सर मस्त जकास, मैं तो बनाता ही बहुत अच्छा। यह बार बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ तो आपको कुछ मतलब अच्छे दिखेगा नहीं, पर वहाँ बहुत तेज हो रही बारिश, कोहरा भी निकल रहा है, आवाज़ भी आ रही होगी। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो बहुत तेज बारिश हो रही है भैया। तो हम लोग बात करके बैठे थे, मतलब बात कर रहे थे तो अचानक मम्मी ने कहा कि बाहर देख रहा बारिश कितनी तेज़ हो रही है, तो मैंने कहा ठीक है देख कर आते, यहाँ तो बहुत तेज़ हो रही थी बारिश। चलो अब मैं जा रहा हूँ घर पे और उसके बाद सो ही जाऊँगा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, नींद बहुत आ रही है। तो चलो फिर मिलता हूँ बाद में। तो अब बारी है इस ब्लॉग को एंड करने की, ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑसम है भाई, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना। तो ठीक है आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय, मिले कल से नए तड़कते वक्त ब्लॉग के साथ।